हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आई शेप्ड गर्डर्स के बारे में। अगर एग्जाम में हमें आई शेप्ड गर्डर की शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो हमें कैसे लिखनी है, वो सारी चीज यहाँ पे बोर्ड पे हम देख लेंगे। और साथ ही साथ गर्डर्स का मतलब क्या होता है, और गर्डर्स यानी कि बीम्स जो होते हैं वो हमेशा आई शेप्ड के ही क्यों बनाए जाते हैं, वो भी हम देख लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गर्डर्स का आखिर मतलब क्या होता है। तो गर्डर्स क्या होते हैं, एक तरीके के बीम होते हैं जो कि मेटल के या फिर कंक्रीट के बनाए गए होते हैं। वो एक तरीके के बीम होते हैं और उनको दो बीम की हेल्प से दो एंड्स पे सपोर्ट दिया गया होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट यहाँ पे है और दूसरा एक सपोर्ट यहाँ पे है। ये बीम ही होते हैं मेटल के या कॉन्क्रीट के, और उनको दो बीम की हेल्प से सपोर्ट दिया गया होता है। और क्या करते हैं, वो हैवी लोड को कैरी करते हैं। पहले तो क्या बोल देंगे, ये मेटल के या फिर कंक्रीट के बनाए गए होते हैं, दो पिलर्स की हेल्प से इसको सपोर्ट दिया जाता है, वो हैवी लोड्स को कैरी करते हैं और वो बैंड नहीं होने चाहिए खुद के वेट से, ठीक है। ऐसी चीज को हम क्या बोल देंगे, गर्डर्स बोल देंगे। अब गर्डर्स के एप्लीकेशन कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, वो सारी बात देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यूज होता है गर्डर्स का, वो होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट पे हम देख सकते हैं ऐसे कुछ आई शेप्ड गर्डर्स का यूज किया जाता है लोड को कैरी करने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन होता है, कहाँ पे यूज होता है, फ्लाईओवर्स बनाने में। तो फ्लाईओवर्स बनाने में भी गर्डर्स का यूज किया जाता है। और थर्ड यूज होता है ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के लिए गर्डर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर एक रखा हुआ है, हम समझ सकते हैं इससे। और आखिरी यूज जो होता है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो भी गर्डर्स से बनाए गए होते हैं या गर्डर्स का यूज किया गया होता है। तो ऐसे कुछ रेलवे ट्रैक्स हमने देखे हैं जो कैसे होते हैं, आई शेप्ड गर्डर्स होते हैं। तो ये सारी बात तो हुई इंट्रोडक्शन गर्डर्स की। अब हम देख लेते हैं टेक्निकल चीजें कि गर्डर्स को आई शेप में ही क्यों बनाया जाता है। तो उसके लिए जो डिप्रेशन होता है गर्डर्स का, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल y बी डी क्यूब, जहां पे y जो है उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी क्या, जैसे कि ये हमारा गर्डर्स से सपोज करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसे लोड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बैंड हो जाएगा, यानी ये ओरिजिनल एक्सिस से कितना नीचे गया उसको डिप्रेशन बोल देंगे, या फिर ये ओरिजिनल एक्सिस से कितना बैंड हो गया उसे हम डिप्रेशन स्मॉल y बोल देंगे। वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, खुद के मास पे, गडर के मास पे, g पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, l पे डिपेंड करता है इसका जो लेंथ होगा उस पे, y यानी यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है, यानी मटेरियल कौन सा, किस किस मटेरियल से बनाया गया है, उसका यंग्स मॉडुलस कितना है, मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या डिप्रेशन। अगर हमने कच्चा मटेरियल लिया जिसका यंग मॉडुलस कम है, तो यंग मॉडुलस अगर कम होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन ज्यादा होगा, कमजोर मटेरियल है तो डिप्रेशन ज्यादा होगा। और ये बी और डी पे भी डिपेंड करता है। अब ये बी और डी की बातें हम बाद में कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आई शेप्ड ही क्यों होता है उसके लिए। तो अगर हम ये डिप्रेशन जो है ये कम करना है, ये बेंडिंग कम करना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे लिखा है कि टू हैव नॉमिनल डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कम से कम डिप्रेशन बैंड हो, उसके लिए वी हैव वेरियस सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या बोल देंगे कि डिप्रेशन जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे लिखा है डिप्रेशन जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, यानी कि अगर हम मास कम करते हैं बीम का या गर्डर्स का, तो ये डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। लेकिन मास को तो कम नहीं कर सकते हम बीम का, क्यों, अगर मास कम किया तो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हुआ तो ये टूट जाएगा। यानी एज पर द ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होगा उसके लिए जितना उसको मास चाहिए उतना तो रखना ही पड़ेगा हमें। तो यानी कि हम बोल देंगे कि हम एम को डिक्रीज नहीं कर सकते। और हम एम को क्यों डिक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये जो डिप्रेशन है डिप्रेशन कम करना है,
तो एम को कम करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो ये डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, तो एम को तो डिक्रीज कर नहीं सकते, क्यों, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा जो भी ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से, तो ये सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं। अब हम देख लेते हैं वाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, जी के, तो यहाँ पे लिख लिया वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब ये भी सॉल्यूशन यूजफुल है नहीं, क्यों, जी क्या है, जी एक कॉन्स्टेंट है, उसको कम ज्यादा करा नहीं जा सकता, यानी जी से हम डिप्रेशन को कम नहीं कर पाएंगे, बेंडिंग को कम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ का क्यूब है, तो वही लिखा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ का क्यूब है। अब लेंथ जो होगी बीम की, वो लेंथ हम बीम की अगर कम करते हैं तो डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, लेंथ ज्यादा किया तो डिप्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन ये लेंथ जो है वो लेंथ तो स्टैंडर्ड होगी है एज पर दी ऑपरेशन, जैसे कि हमें ब्रिज बनाना है तो ब्रिज के लिए बीम की जो हाइट होगी लेंथ होगी उसे हम कम तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें ब्रिज बनाना है कोई रिवर के ऊपर, तो नीचा तो ब्रिज नहीं बना सकते, यानी एक फिक्स लेंथ तो होगी, यानी लेंथ क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया वापस से फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो लेंथ को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी ये डिप्रेशन जो है बेंडिंग उसको भी हम कम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीन चीज को हम टच नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट है, तीन चीज जो है उसकी हेल्प से हम ये जो डिप्रेशन है उसको काम नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा, बचा ये y और ये bd। तो y यानी क्या, यंग्स मॉडुलस, यहां पे हम देख सकते हैं y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस है, y जो है डिप्रेशन वो 1/y के प्रोपोर्शन में है, यानी कि अगर हमें डिप्रेशन कम करना है यानी बेंडिंग कम करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका y का वैल्यू यंग्स मॉडुलस का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, जिसके कारण ये जो डिप्रेशन है y वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे मटेरियल लेंगे, हाई जिसका यंग्स मॉडुलस होगा, जैसे कि हो गया कॉन्क्रीट जिसका जो यंग्स मॉडुलस है 18.2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और उससे भी ज्यादा यंग्स मॉडुलस है स्टील का 2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जनरली हम ना स्टील का यूज करेंगे, क्यों स्टील का यूज करेंगे, कि उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो बेंडिंग कम होगा, डिप्रेशन कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं बी और डी की, तो यहां पे वापस से इक्वेशन लिख लिया मैंने बी और डी, हमें क्या चाहिए, डिप्रेशन कम चाहिए और आई शेप क्यों बनाया गया है वो बात अब देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक ऐसे बीम रखा गया है, ऐसे कुछ बीम रखा गया है, ऐसे कुछ बीम, और यहाँ पे दो सपोर्ट, दो पिलर्स लगाए गए हैं, और बीम क्या करेगा, लोड कैरी करेगा, तो ऊपर लोड लगाया है। अब ये जो है वो बीम का साइड व्यू है, यानी अगर हम यहां से देखते हैं ये साइड से, तो इसका साइड व्यू कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। अब अगर हम लोड लगाते हैं यहाँ पे, ये बीम पे अगर लोड लगाते हैं, बीम पे अगर लोड लगाते हैं तो क्या होगा, ये बीम ऐसे करके बेंड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डिप्रेशन वाई आ जाएगा, ऐसे हो चुका है बीम। ठीक है, अब ऐसे अगर हुआ तो हम देख सकते हैं कि ये साइड ऐसी हो गई, यानी ये जो आपके सामने जो साइड दिख रही है ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड, उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे ऐसे करके, ऐसे 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 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल सब स्लाइड करके एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आ गए यानी कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, कम्स नियरर, तो कैसा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और साथ ही साथ नीचे की साइड है यहाँ पे क्या होगा, पीछे की साइड खिंचाव आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे चले जाएंगे, ईच अदर, अवे ऑफ ईच अदर चले जाएंगे, ये ऊपर की साइड क्या हो गया, कंप्रेशन, नीचे की साइड मॉलिक्यूल दूर चले गए तो टेंशन हो जाएगा, तो नीचे टेंशन हो गया। अब दोनों के बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये सारी बात हम कैंटिलीवर बीम का डिप्रेशन जब डेरिवेशन किया था तब समझ चुके थे। तो यहाँ पे बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस अनअफेक्टेड रहेगी, न्यूट्रल एक्सिस अनअफेक्टेड रहेगी, उस पर ना ही कंप्रेसिव फोर्स लगेगा ना ही टेंशन का फोर्स लगने वाला है। यानी मेन यूज कौन सा है, एक टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे जो भी लोड लगाएंगे उसका टेंसाइल फोर्स लगेगा। न्यूट्रल एक्सिस अनअफेक्टेड है क्योंकि वो करीब करीब स्ट्रेट रहती है। तो हम क्या सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा है, पहले वो देख लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस विल नॉट बेंड और कंप्रेस्ड, सो वी कैन डिक्रीज द मिडल पार्ट, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस करीब करीब स्ट्रेट रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, यानी ये पार्ट जो है इसका इतना कुछ यूज है नहीं, क्योंकि जो
भी हम लोड लगाते हैं वो तो टॉप सरफेस में चला जाता है और बॉटम सरफेस में, टॉप सरफेस में टेंशन हो जाता है, बॉटम सरफेस में सॉरी कॉम्प्रेशन हो जाता है, बॉटम सरफेस में टेंशन हो जाता है। न्यूट्रल एक्सिस यानी ऐसी एक्सिस जो करीब करीब स्ट्रेट रहती है, करीब करीब स्ट्रेट रहती है, इसका मतलब क्या होता है, ना ही उस पर टेंशन आता है ना ही कॉम्प्रेशन आता है, तो कुछ नहीं आता। तो मिडल पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी हमारा मिडल पार्ट ये रहा हमारा मिडल पार्ट, ये मिडल पार्ट को यानी साइड व्यू ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये मिडल पार्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे करके ऐसे हम रिड्यूस कर देंगे, यानी इतना मटेरियल हम निकाल देंगे, ठीक है, वही बनाया है यहाँ पे, इतना मटेरियल हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आएगी, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आएगी, वो अनअफेक्टेड रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी, टेंशन कॉम्प्रेशन कुछ नहीं होगा। जो भी कंप्रेशन होगा वो तो टॉप सरफेस पे चला जाएगा और जो भी टेंशन होगा वो बॉटम सरफेस पे चला जाएगा। तो मिड पार्ट को हम कैसा कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब इसका फायदा क्या हुआ, इससे हमारा मटेरियल जो है यहाँ का और यहाँ का बच गया, यानी कम मटेरियल लगा यानी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा हो गया, कम हो गया। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं ये साइड का जो पार्ट है यहां से मटेरियल निकाल दिया, ठीक है, ओनली टॉप साइड रखी जिसमें कंप्रेसिव होगा, बॉटम साइड रखी जिसमें टेंसाइल फोर्स लगेंगे। तो यहां पे मटेरियल कम हो गया तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, इसलिए कैसे होते हैं, आई शेप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बी और डी की, ठीक है, बी और डी की बात कर लेते हैं। ये समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। सपोज करते हैं बीम ऐसे रखा गया है, उस पर लोड कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, लोड कुछ ऐसे लग रहा है। अब यहाँ पे डी क्या है हमारा, डी यानी ये हमारा डी, ठीक है, डी। और बी क्या है, बी यानी ये जो स्केल की थिकनेस है, ये थिकनेस, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम, बी बोल देंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि डी इज इंपॉर्टेंट देन बी। डी क्या हो गया, डेप्थ हो गया, यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया, ये क्या हो गया, ये डेप्थ हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हम लोड लगा रहे हैं वो डी के अलोंग लगा रहे हैं, डी के पैरेलल लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोड लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, डी, ये हमारा क्या हो गया, डी, और ये जो थिकनेस है ये थिकनेस, ये हमारा हो गया बी विड्थ। तो डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेप्थ जो है ये डेप्थ इंपॉर्टेंट है। क्यों, जब हम डेप्थ के पैरेलल लोड लगाएंगे, ये लोड लगा ये डेप्थ के पैरेलल, तो जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये मुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर हम ये जो लोड है वो बी के अलोंग लगाएंगे, बी के पैरेलल, ये बी के पैरेलल लगाएंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, थिकनेस, ये थिकनेस, थिकनेस के पैरेलल अगर हमने लोड लगाया तो क्या होगा, ये ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट कौन सा है, डी है, बी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई जो है वो 1/d³ के प्रोपोर्शन में है, यानी अगर हमें डिप्रेशन कम करना है तो डी का वैल्यू ज्यादा करना पड़ेगा, यानी ये जो डी है ये इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा डी इंक्रीज कर लेते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, लोड ऊपर से लग रहा है, डी बहुत ज्यादा कर दिया हमने, तो ये ऐसे करके मुड़ जाएगा। ये इफेक्ट को बकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि डेप्थ डी को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बकलिंग होने के कारण ये फेल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी भी कांस्टेंट हो गया, डी को भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें इंक्रीज करना है यानी कि बकलिंग नहीं करवाना है उसका, तो फेल नहीं होगा। कब फेल नहीं होगा, कि टॉप साइड पे क्या करेंगे हम, ऐसी एक फ्लेंज लगा देंगे और बॉटम साइड पे भी ऐसी एक फ्लेंज लगा देंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, टॉप साइड पे अगर फ्लेंज लगाते हैं तो सारा कंप्रेसिव फोर्स ऊपर चला जाएगा और नीचे सारा टेंसाइल फोर्स चला जाएगा, तब इसका बकलिंग होगा नहीं, ठीक है। तो बकलिंग जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम टॉप साइड और बॉटम साइड पे क्या लगा देंगे, ऐसा जो पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम बोल देंगे फ्लेंज, जो बकलिंग को अवॉइड कर देगा, रोक देगा। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं जिसके कारण जो हमारे बीम्स होते हैं या फिर गडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आई शेप के होते हैं। सो आई होप गडर क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है और क्यों वो आई शेप के होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक लिखने पर हमें एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।